कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर करारा वार किया है। वीडियो साझा कर उन्होंने सरकार को घेरा। राहुल ने लिखा कि भविष्य में जब फेलियर पर कोई स्टडी होगी तो इन बातों का जिक्र होगा। राहुल गांधी ने अपने वीडियो कैप्शन में तीन मसलों का जिक्र किया है, कोविड-19, नोटबंदी और जीएसटी का लागू करना। राहुल ने कहा कि इन्हें हार्वर्ड के बिजनेस स्कूल के फेलियर के तौर पर पढ़ाया जाएगा। महाभारत का युद्ध 18 दिन में जीता गया था। आज कोरोना के खिलाफ जो युद्ध पूरा देश लड़ रहा है उसमें 21 दिन लगने वाले हैं। ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके, मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन के जरिए। सुरेंद्र राजपूत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका स्वराज एक्सप्रेस में। जी धन्यवाद। कोविड-19, डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन, ये तीन ऐसे विषय हैं जिनकी फेलियर की स्टडी के लिए हार्वर्ड के बिजनेस स्कूल में पढ़ाया जाएगा, राहुल गांधी कह रहे हैं। लेकिन यहां पर लगातार बीजेपी तो ये कहती आई है कि आप लोग जब देश पर संकट हो तो एकजुट होने के बजाय राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमें लगता है कि दबाव में आकर के अपना मानसिक संतुलन खो देती है। आप ये देखिए ना, कहाँ तो आपको समस्याओं को एड्रेस करना चाहिए और कहाँ आप ये भारतीय जनता पार्टी के लोग विपक्ष का विरोध करने पे जुट जाते हैं। इस समय समय है क्या इनको इस तरीके की बेवकूफियों के जवाब देने का? सच बात यह है कि प्रतिपक्ष लगातार आपको चेता रहा है, प्रधानमंत्री जी को चेता रहा है, चाहे जीएसटी के समय पर हो, चाहे कोविड के समय पर हो और चाहे डिमोनेटाइजेशन के समय पर हो, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने अहंकार में बात नहीं मानी। तो हार्वर्ड में क्या, समय आने दीजिए, सरकार बदलने दीजिए, आईआईएम अहमदाबाद में भी पढ़ाया जाएगा ये सीनियरिटी। सुरेंद्र सिंह राजपूत, आपको याद होगा कुछ वक्त पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमारी स्थिति दूसरे देशों के मुकाबले कोविड-19 के मामले में बेहतर है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। आज देखिए ना, दुनिया के अग्रणी तीन देशों में हम आ गए हैं और धीरे धीरे अगर प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी की यही नीतियां रही तो टॉप पर हो जाएंगे। वो तो चाहते हैं हर चीज में टॉप पर होना। पिछले 70 सालों में ऐसे कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो असफलताओं में अपने देश के मरीज, अपने देश के नागरिकों को असुरक्षित करने में टॉप पर रहा हो। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उसमें ये जाएगा। ये दुर्भाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट करना चाहते हैं और वो मीडिया को किसी सूरत में, सत्ता समर्थक मीडिया को मैनेज करके इस तरीके की हल्की फुल्की बयानबाजी कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री पद पर कतई शोभा नहीं देता। आप लोग तो लॉकडाउन को भी फेलियर बताते हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि समय पर लॉकडाउन हुआ, नहीं तो देखिए कितने यहाँ पर आबादी है, बहुत मुश्किल हो जाता देश को संभालना। प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो प्रधानमंत्री जी के भक्त और प्रधानमंत्री जी के समर्थक तो इस बात को मानते ही हैं। लेकिन आप ये देखिए ना कि जहां पर स्मार्ट लॉकडाउन हुआ है वहां पर स्थिति क्या हुई और हमारे यहाँ क्या स्थिति हुई। जिस तरीके से माइग्रेटेड पॉपुलेशन को आपने सड़क पर कर दिया, जिस तरीके से उनकी सड़क पर चलते हुए मृत्यु हुई, 37% की जो आबादी सड़क पर रही, सब याद रखा जाएगा, सबको पता है क्या हुआ। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, आप हमारे साथ बने रहिए। अपने दर्शकों को बता दें कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर ट्वीट के जरिए पलटवार किया है। नड्डा ने लिखा है कि राहुल गांधी गौरवशाली वंश परंपरा से संबंधित हैं, जहां तक रक्षा का संबंध है समितियां मायने नहीं रखती, केवल कमीशन ही करती हैं। कांग्रेस के कई योग्य सदस्य हैं जो संसदीय मामलों को समझते हैं, लेकिन एक राजवंश ऐसे नेताओं को कभी बढ़ने नहीं देगा, वास्तव में दुखद। एक और वो ट्वीट करते हैं और उसमें लिखते हैं, राहुल गांधी रक्षा पर स्थायी समिति की एक भी बैठक में शामिल नहीं होते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि वो राष्ट्र का मनोबल गिराना जारी रखते हैं, हमारे सशस्त्र बलों की वीरता पर सवाल उठाते हैं और वो सब कुछ करते हैं जो एक जिम्मेदार विपक्षी नेता को नहीं करना चाहिए। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, जवाब दीजिए। देखिए जेपी, मैंने तो आपसे कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता मानसिक संतुलन दबाव में आकर खो चुके हैं। पहली चीज तो जब राहुल गांधी के खिलाफ कुछ नहीं मिलता तो उनके खानदान पर उंगलियां उठाने लगते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं। हम तो कहते हैं कि हाँ, हम खानदानी लोग हैं,
हम नागपुर से आए हुए लोग नहीं हैं, हम तो खानदान को और अपनी विरासत को और अंग्रेजों के प्रति किए गए अपने संघर्ष को गर्व से देखते हैं। हमें अंग्रेजों की गुलामी, चापलूसी और दलाली करने का हमें क्या नाम कोई भी दुर्भाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। तो इस जेपी नड्डा जी को ये बात समझनी चाहिए कि सशस्त्र सेनाओं के ऊपर वो स्वयं उंगली उठा रहे हैं, हम लोगों ने कभी सेनाओं पर उंगली नहीं उठाई। सशस्त्र सेनाओं के पीछे छुप करके सेनाओं का अपमान न करें भारतीय जनता पार्टी के नेता, तो उचित रहेगा। शुक्रिया सुरेंद्र सिंह राजपूत हमसे जुड़ने के लिए। कांग्रेस लगातार ये कहती रही है कि आखिरकार आपका स्टैंड चाइना को लेकर क्या है, नीति क्या है, इसको सामने रखना चाहिए सरकार को।